हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 2 मीटर कपड़े में आप सेमी पटियाला सलवार हैवी से हैवी किस तरह से आसानी से कट कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी सलवार को कट करने से पहले हमें कपड़े में से मेजर करना होता है कि हमें उसमें से 4 कलियां निकालनी होती है, 2 पार्ट निकालने होते हैं और 1 बेल्ट निकालनी होती है अपनी सलवार की लेंथ के अकॉर्डिंग। तो देखिए, हमारी सलवार की लेंथ जो है वो 38 इंच तैयार है। तो इसमें से 5 इंच मैं माइनस कर दूंगी क्योंकि 6 इंच की हमारी बेल्ट होगी और उसमें से 1 इंच हम इसलिए लेंगे क्योंकि 1/2 इंच नीचे मोरी अटैच करने में होगा हमारा और 1/2 इंच ऊपर बेल्ट अटैच करने में। तो मैं 33 इंच की हमारी जो कलियाँ हैं और पार्ट है उसकी लेंथ मैं कट करूँगी 33 इंच की, ठीक है। तो हमें कपड़े को इस तरह से मेजर करना है पहले कि हम अपनी कलियाँ और पार्ट इसमें से किस तरह से निकालें। तो देखिए, हमारी जो लेंथ है वो 42 इंच है। तो इस तरह से मैं इसमें कलियां और पार्ट किस तरह से निकालूंगी, आइए बताती हूँ मैं। तो सबसे पहले हम इधर से, जो ये हमारी खुली साइड है, इधर से मैं इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर दूंगी। थोड़ा सा इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 7 इंच रखूंगी। ये हमारे पार्ट होंगे 2। ये कपड़ा डबल फोल्ड है तो ये हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे जिसकी चौड़ाई मैंने 7 इंच रखी है। अब मैं अपने जो पार्ट है उसकी लेंथ लूँगी 33 इंच। 33 इंच पे निशान लगा दूँगी मैं, यहाँ भी 33 इंच पे निशान लगा देना मैं, और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ से हमें अपनी मोरी का साइज लेना है जो कि मेरा 7 इंच तैयार है और उसमें 2 इंच मैं मार्जिन रखूँगी। तो मैं 9 इंच पे निशान लगाया मैंने। अब मैं यहाँ से अपनी सलवार का आसन लूँगी जो कि मैं 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, देखिए। और यहाँ से इस पॉइंट को मिला दूंगी मोरी के पॉइंट से, आसन का निशान हमें मिला देना है इस तरह से, और यहाँ से हमें कट कर देना है। तो देखिए, इस तरह से हमारी 2 कलियाँ इधर से कट के तैयार हो गई है जो कि हमारी पार्ट के साथ ही अटैच है, और 2 कलियाँ हमें बाकी के कपड़े में से कट करनी है। तो देखिए, उसके लिए मैंने जो ये कपड़ा बचा हमारा, इसमें से पहले ये बेल्ट अलग कर लूँगी मैं। ये हमारे बेल्ट का कपड़ा हो गया और ये जो 2 कलियाँ हैं इसको दूसरी कलियों पे रख कर इस तरह से हमें बराबर रख लेना है। नीचे वाली कलियों के बराबर होनी चाहिए हमारी ऊपर वाली कलियाँ, और जो कपड़ा एक्स्ट्रा है वो कट कर देना है, वो हमारे आसन सॉरी मोरी बनाने में काम आएगा। और जो ये कलियाँ हैं इसको इस तरह से अटैच कर देना है इसके साथ, पार्ट के साथ। 2 कलियाँ हमारी नीचे वाली पहले ही अटैच है, ऊपर वाली 2 कलियों को अटैच कर देना है सबसे पहले। अगर आप नीचे वाली कलियों को भी अटैच करना चाहते हैं तो इस तरह से मोड़ के सिलाई लगा सकते हैं, आपको अलग अलग कट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, हमारी ये सलवार की पार्ट और कलियाँ कट के तैयार है। अब हम अपनी बेल्ट को देख लेते हैं। बेल्ट का जो ये कपड़ा बचा है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से अलग अलग कर देंगे दोनों पीसीस को। ये डबल फोल्ड है कपड़ा। अब हम इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। इसकी चौड़ाई हमारी 25 इंच आ रही है जो कि हमारी मेजर के अकॉर्डिंग है। तो ये हमारी बेल्ट कट के तैयार है और जो कपड़ा बचा है ये हमारी मोरी बनाने में यूज़ में लेंगे। तो देखिए, ये हमारी सलवार कट के तैयार है इस तरह से, और ये 2 मीटर कपड़े में मैंने सलवार काटी है और सारा कपड़ा मैंने सलवार में लगा दिया है। ये देखिए, ये हमारे 2 पार्ट है जिसके साथ हमारी 2 कलियाँ पहले से अटैच है, और इसके साथ ही ये 2 कलियाँ हैं जो कि हमें इसके साथ यहाँ से सिलाई कर देनी है। एक पार्ट के साथ 1 कली और दूसरे पार्ट के साथ दूसरी कली, और 2 कली हमारे पहले से अटैच है। उसके बाद हमें 1 कली अटैच करने के बाद आसन पे सिलाई लगानी है, फिर बेल्ट को जोड़ना है सलवार के साथ, और फिर पोचे बना के और सलवार को स्टिच कर देना है। तो हमारी सलवार कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।